गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री राधे। जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। और कल तक के वीडियो में आप जो पढ़ रहे थे, आपने पढ़ा था सॉलिड डिफेक्ट अर्थात ठोसों में दोष या ठोसों में अपूर्णताएं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ठोसों में दोष दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक दोष और दूसरा हमारा है पॉइंट दोष, बिंदु दोष। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक दोष में आपने पढ़ा था कि जब किसी क्रिस्टल जालक में इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है तो अपने निश्चित स्थान से हटेगा तो वहां पर एक रिक्त स्थान बन जाता है, जिससे कि उत्पन्न दोष को इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। नंबर दो था बिंदु दोष। बिंदु दोष में आपने पढ़ा था कि जब किसी आदर्श व्यवस्था में से कोई अवयवी कण धनायन ऋणायन या फिर परमाणु या अणु अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में या जालक को छोड़कर चला जाता है तो यह दोष उत्पन्न होता है। आई बात समझे। आगे ले लीजिए, इस आधार पर अगर आप देखते हैं तो ये आपने देखा था कि पॉइंट दोष यानी बिंदु दोष को हमने लिखाया था कि ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर एक पर था आपका रस समीकरण मितीय दोष और दूसरा था अरस समीकरण मितीय दोष। ठीक है ना। रस समीकरण मितीय दोष में आपने पढ़ा था कि पहला दोष था रिक्तिका दोष और दूसरा दोष था आपका अंतराकाशी दोष। रिक्तिका दोष में कोई एक भाग यहाँ से छोड़कर चला जाता है, रिक्त हो गया, रिक्तिका दोष हो गया। अंतराकाशी दोष में क्या था कि वो अपनी जगह को छोड़ करके कहीं भी आकर के सेट हो सकता है, उसे हम अंतराकाशी दोष कहते हैं। अब आप तीसरा दोष पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष में आपने क्या पढ़ा तो देखिए कि रूसी वैज्ञानिक फ्रेंकल ने बताया कि यह दोष निम्न समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है। अर्थात ऐसा तब होता है जब धनायन व ऋणायन के आकार में बहुत अधिक अंतर होता है, अर्थात माइनस यानी ऋणायन जो है वो धनायन से बहुत अधिक बड़ा होता है, ऋणायन जो है वो धनायन से बहुत अधिक अंतर रखता है तो ऐसा उत्पन्न होता है। रूसी वैज्ञानिक फ्रेंकल ने बताया कि इस प्रकार के दोष निम्न समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है और ऐसा तब होता है जब धनायन और ऋणायन के आकार में बहुत अधिक अंतर होता है, जिससे क्रिस्टल का धनायन अपने निश्चित बिंदु स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष फ्रेंकल दोष कहलाता है। अब आप स्ट्रक्चर में देखेंगे कि यहां से कोई भी एक धनायन ऐसे यहां से रिक्त हो गया और कहीं पर भी जाकर के वो किसी भी जगह या कहीं भी अंतराकाशीय स्थान में अपना स्थान ग्रहण कर लेता है तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष को अंतराकाशीय दोष फ्रेंकल दोष कहते हैं। आगे समझे। एक शब्द आया था आपका समन्वय संख्या, है ना, एक शब्द आया था समन्वय संख्या। क्या होती है समन्वय संख्या वो देख लीजिए, यहाँ पर नोट में मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। समन्वय संख्या को उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या भी कहते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर परिभाषा बनती है किसी क्रिस्टलीय जालक में एक परमाणु के चारों ओर उपस्थित निकटवर्ती परमाणुओं की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। किसी क्रिस्टलीय जालक में एक परमाणु या अणु या आयन हो सकता है को कितने अन्य परमाणुओं ने घेर रखा है उनकी संख्या ही उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक हमारा धनायन है, कैटायन है, धनायन इसको कितने ऋणायन ने घेर रखा होगा, ठीक है, मान लो इतने ने घेर रखा है तो इनकी संख्या जो है वही हमारी क्या कहलाएगी, समन्वय संख्या। या फिर यहाँ ऋणायन है, इसके चारों ओर धनायन लगे हुए हैं, कि किसी एक परमाणु को कितने अन्य परमाणुओं ने उसको चारों ओर से घेर रखा है उनकी संख्या ही समन्वय संख्या कहलाती है। समझे, कोई दिक्कत। चलिए नंबर चार पर आता है, डी नंबर है आपका शॉटकी दोष। ठीक है ना। तो आप देखिएगा इसमें कि जर्मन वैज्ञानिक शॉटकी ने बताया कि यह दोष
उच्च समन्वय संख्या वाले योगों में पाया जाता है। समन्वय संख्या क्या होती है, मैंने अभी आपको समझाया कि किसी एक परमाणु को दूसरे परमाणु कितने दूसरे परमाणुओं ने घेर रखा है उसकी संख्या भी उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो जर्मन वैज्ञानिक शॉटकी ने बताया कि इस प्रकार के दोष उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के दोष उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाए जाते हैं। ऐसा तब होता है जब धनायन व ऋणायन के आकार में अधिक अंतर नहीं होता, अर्थात लगभग समान होते हैं। अधिक अंतर नहीं होता, लगभग समान होते हैं, तो जिससे क्रिस्टल जालक के धनायन व ऋणायन समान संख्या में जालक को छोड़कर बाहर चले जाते, जिससे क्रिस्टल जालक के समान संख्या में धनायन और ऋणायन जालक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, अर्थात शॉटकी दोष कहलाता है। अभी आपने देखा था फ्रेंकल दोष में कि कोई एक धनायन अपने निश्चित बिंदु स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। लेकिन इसमें क्या है शॉटकी दोष में, अंतराकाशीय स्थान में नहीं, समान संख्या में, जैसे कि मान लो एक धनायन गया तो एक ऋणायन भी। अब ये इस एक धनायन और एक ऋणायन, अगर दो धनायन जाएंगे तो दो ऋणायन भी जाएंगे और क्रिस्टल जालक को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, बाहर चले जाते हैं, जिससे कि क्रिस्टल में समान संख्या में धनायन और ऋणायन बने रहते, उदासीनता बनी रहती है, शॉटकी दोष कहलाता है। फ्रेंकल दोष में कोई एक धनायन या दो धनायन अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता। शॉटकी दोष में क्या होता है कि धनायन और ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, ठीक है ना, शॉटकी दोष कहलाता है। समझ में आ गया होगा, एनी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आपने अभी पढ़ा फ्रेंकल दोष और शॉटकी दोष पढ़ा, अब हम आपको इन दोनों दोषों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए मैं आपको फ्रेंकल दोष और शॉटकी दोष पर ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यही दोनों दोष ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यही ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ज्यादातर यानी 85% या 90% जो है फ्रेंकल दोष और शॉटकी दोष के बारे में ही पूछा जाता है। तो देखिएगा फ्रेंकल दोष में क्या लिखा, इस दोष में धनायन अपने निश्चित बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं, है ना। अभी आपने पढ़ा था कि कोई भी धनायन अपने निश्चित बिंदु स्थान को छोड़ देता है और किसी अंतराकाशीय स्थान में स्थित हो जाता है, तो ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष कहते हैं। और ऋणायन में क्या था कि इस दोष में समान संख्या में धनायन व ऋणायन अपने निश्चित बिंदु स्थान को छोड़कर बाहर चले जाते, समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने निश्चित बिंदु स्थान को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। नंबर दो आता है, इनमें जालक का घनत्व स्थिर रहता है। इसमें जालक का घनत्व, भैया कोई चीज है गई नहीं है, जैसे आप क्लास में बैठते हैं ना, क्लास में आप बैठे मान लीजिए बाई साइड है और उठकर आप दाई साइड बैठ जाते हैं तो आप क्लास के तो अंदर ही हो ना, बाहर तो नहीं गए, तो जितनी संख्या पहले थी उतनी अभी, केवल आपने इतना स्थान बदल लिया, तो इसमें जो है घनत्व स्थिर रहता है, अपरिवर्तित रहता है। और इसमें जालक का घनत्व तो घट जाता है क्योंकि जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा उत्तीर्ण हो और हम लोग टीचर्स बोल देते हैं कि आप क्लास छोड़कर बाहर चले जाओ, तो वो कहां पर चला गया, क्लास के बाहर चला जाता है ना, तो क्या हुआ, संख्या में कमी हो गई तो उसका घनत्व तो घट जाता है। नंबर थर्ड पर आता है, ये दोष निम्न समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है। किसमें होता है, निम्न समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है। और यह दोष उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है। किसमें होता है, उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है। नंबर चार है, इससे क्रिस्टल का स्थायित्व घट जाता है। भैया आप जानते हैं फ्रेंकल दोष में कोई भी कैंडिडेट, कोई भी अवयवी कण अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अतिरिक्त स्थान में जाएगा तो वो दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, है ना। जैसे कि आप अपनी क्लास का अपना स्थान छोड़कर कहीं और बैठते हैं तो उसको आप क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, है ना। और जब आप डिस्टर्ब करेंगे तो प्रॉब्लम कहां पर आएगी कि उसका स्थायित्व जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, घट जाएगा, और इससे क्रिस्टल का स्थायित्व बढ़ जाता है क्योंकि जो संख्या बैठी थी उसमें से दो या चार समान संख्या में धनायन समान संख्या में ऋणायन चले गए तो स्थान ज्यादा हो गया, फलस्वरूप इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। आई बात समझ में, चलिए आगे देखते हैं। अब आपका नंबर टू आता है, चलिए बच्चों आगे देखिए।
आपने पढ़ा था बिंदु दोष में आपने पढ़ा था ये दो प्रकार थे के थे, एक स्टाइकियोमेट्रिक और एक नॉन स्टाइकियो, यानी एक रस समीकरण में थी और दूसरा था अरस समीकरण में थी, है ना। अभी आप पढ़ रहे हैं अरस समीकरण में थी, ये दोष नंबर दो है या नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है ना। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आपने क्या पढ़ा था कि इस दोष में धनायनों और ऋणायनों का अनुपात संयोजी रूप के अनुरूप ही रहता है, ना वो अनुपात घटेगा ना अनुपात बढ़ेगा। लेकिन यहां पर जो आप पढ़ रहे हैं वो ये है कि इस दोष में धनायनों और ऋणायनों का अनुपात संयोजी रूप के अनुरूप नहीं होता है। समझाई बात की नहीं, संयोजी यानी जिस रूप में उन्होंने संयोग करके यौगिक का निर्माण किया था उस अनुपात में डिफरेंस आ जाता है, कमी या वृद्धि हो जाती है, इस कारण ये दोष होता है। तो कह रहा है कि इस दोष में धनायनों और ऋणायनों का अनुपात संयोजी रूप के अनुरूप नहीं होता, जिसके कारण यौगिक की उदासीनता समाप्त होनी चाहिए। भाई जब प्लस और माइनस या कम या ज्यादा हो जाएंगे, कोई कम या कोई ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, चालक हमारा उदासीन समाप्त हो जाएगा। परंतु ये उदासीन होते हैं, कह रहा उदासीनता समाप्त होनी चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं। ये होते कैसे हैं, उदासीन होते हैं क्योंकि उदासीनता बनाए रखने के लिए धनायन और ऋणायन अतिरिक्त रूप से क्रिस्टल में आ जाते हैं। अगर धनायन गायब होता है तो ऋणायन आ जाता है, और ऋणायन की कमी होती है तो धनायन आ जाता, अतिरिक्त रूप से आ जाते हैं, जिससे जालक की व्यवस्था में अनियमितता आ जाती है, जिससे जालक की व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाती है, अर्थात सीरियल से नहीं रह पाती। तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष को अरस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। क्या कहलाता है, अरस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। यह दोष भी दो प्रकार के होते हैं, आ गया होगा समझ में। फिर से एक बार देख ले, रस समीकरण में धनायनों और ऋणायनों का अनुपात वही रहता है जिस रूप में उन्होंने संयोग किए थे। यहां पर क्या है कि धनायनों और ऋणायनों के अनुपात में डिफरेंस आ जाता है क्योंकि वो जिस रूप में संयोग करते हैं उस रूप में नहीं रहते हैं। आज इसमें अब आगे देखते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार है। तो देखिये धातु आदि के दोष, पहला है आपने लिखा था रस समीकरण में दो प्रकार के दोष होते हैं, जिसमें आपका पहला है धातु आधिक्य दोष, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसमें क्या लिखा है कि यह दोष क्रिस्टल जालक में धातु आयनों की अधिकता होने के कारण उत्पन्न होता है। यह दोष जो है जालक में धातु आयनों की अधिकता होने के कारण उत्पन्न होता है। भैया धातु होती हैं हमेशा इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं, दान करती हैं, जिससे वो हमेशा धनायन का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करेंगी, धनायन का निर्माण करती हैं। तो आपकी परिभाषा बनती है कि यह दोष क्रिस्टल जालक में तब उत्पन्न होता है जब धातु आयनों की अधिकता होती है, यानी धातु आयनों की अधिकता होने के कारण उत्पन्न होता है। इसके दो कारण आते हैं, पहला जब जालक में ऋणायन अनुपस्थित हो, भाषण में आएगी नहीं। तो देखिए जैसे कि आपका ये आदर्श क्रिस्टल दिख रहा है, ये क्रिस्टल जो है ये एक आदर्श रचना है, इसमें से एक ऋणायन कम हो गया है ना, क्या हो गया, ऋणायन कम हो गया। तो उस ऋणायन की पूर्ति करने के लिए उसके अतिरिक्त स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है ना, क्या आ जाता है भैया, उस ऋणायन की पूर्ति करने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो ये दोष उत्पन्न होता है। जब एक ऋणायन गायब है और ऋणायन की पूर्ति करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो ये दोष उत्पन्न हो जाता है। नंबर दो है जब जालक में अतिरिक्त धनायन आ जाए। अब ये हमारा आदर्श क्रिस्टल जालक है, कारण नंबर फर्स्ट है और कारण नंबर सेकंड है, ठीक है ना, ये हमारा एक आदर्श व्यवस्था है। उसने कहा कि जालक में अतिरिक्त धनायन आ जाए, तो मान लीजिए कि कोई प्लस आयन आ जाता है, अतिरिक्त आ जाएगा। अब ये धनायन अतिरिक्त हो जाएगा, अभी यहाँ पे प्लस माइनस की संख्या बराबर थी, अब जब ये अतिरिक्त धनायन आ गया तो प्लस की संख्या बढ़ गई, जिसे कंट्रोल करने के लिए अतिरिक्त रूप से इलेक्ट्रॉन आ जाता है, यानी जिसे समाप्त करने के लिए, उदासीन करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इस प्रकार से उत्पन्न एक दोष उत्पन्न होता है जिसे हम धातु आधिक्य दोष कहते हैं। आइए इसमें आगे देखते हैं नंबर दो। चलिए नंबर दो देखते हैं कि धातु न्यूनता दोष, ठीक है ना, धातु न्यूनता दोष। तो इसमें लिखा है कि यह दोष क्रिस्टल जालक में धातु आयनों की कमी होने के कारण उत्पन्न होता
यह दोष क्रिस्टल जालक में धातु आयनों की कमी होने के कारण उत्पन्न होता है, जबकि आपने पढ़ा था धातु अधिकता में धातु आयनों की अधिकता होने के कारण उत्पन्न होता है। इसके भी दो कारण है। पहला कारण आपका बनता है कि जब जालक में धनायन अनुपस्थित हो, जब जालक में यानी क्या हो, एक धनायन एक पॉजिटिव आयन अनुपस्थित हो जाए, एब्सेंट हो जाए, गायब हो जाए, तो ये दोष उत्पन्न होता है। अब जैसे मान लीजिए कि एक धनायन यहाँ से गायब हो गया, ठीक है ना, तो उसके स्थान पर एक अतिरिक्त धनायन आ जाएगा, ठीक है ना, तो उसके स्थान पर एक अतिरिक्त धनायन आ जाएगा, जिससे ये दोष एम एम यहाँ पर मेटल से लिया गया, मेटल माने धातु और धातु आयन आ जाता है, तो ये दोष उत्पन्न हो जाता है। नंबर दो है जब जालक में अतिरिक्त ऋणायन आ जाए, ठीक है ना, ये हमारा आदर्श क्रिस्टल जालक है, समान संख्या में प्लस और माइनस है। अब इसमें कोई अतिरिक्त ऋणायन आ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन आ जाए या कोई अन्य ऋणायन आ जाता है, ठीक है ना, तो ये दोष उत्पन्न होता है। ठीक, अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ऋणायन आ गया या इलेक्ट्रॉन आ जाए, कोई भी चीज आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसको बैलेंस करने के लिए अतिरिक्त धनायन की आवश्यकता होगी, तो यह दोष उत्पन्न हो जाता है। आई बात सुन में, चलिए देखिए ठोसों के दोष याद करने का एक आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इनकी डेफिनेशन डिटेल में आप पहले पढ़ चुके हैं, अभी तक मैंने इनकी डेफिनेशन जो थी वो आपको डिटेल में पढ़ा दी है, इसके आगे देखते हैं। तो जो दोष होता है वो दोष किसमें उत्पन्न होता है भैया, केवल क्रिस्टलीय ठोस में होता है, क्रिस्टलीय क्रिस्टलाइन सॉलिड में केवल दोष उत्पन्न होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन में नहीं होते हैं, ठीक है ना, एमॉर्फस में नहीं होते, केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफेक्ट उत्पन्न होता है। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, परमाणु के होते हैं, आयन के होते हैं या अणु के होते हैं, ठीक है ना, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो परमाणु के बने होते हैं, आयन के बने होते हैं या फिर अणु के बने होते हैं। और इनकी विशेषता ये होती है कि ये भैया बहुत ही अनुशासित होते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, अर्थात एक निश्चित व्यवस्था होती है इनका, एक निश्चित क्रम होता है, उसी के अकॉर्डिंग तो ये इनकी रचना होती है, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो ये इस तरह से चार हमारे ये बने हुए हैं, ये हमने इनको परमाणु बना करके आपको दिखाया, ये हमारी आदर्श क्रिस्टलीय व्यवस्था है। अब ये दोष उत्पन्न कैसे होता है, तो मान लीजिए कि यहाँ से एक परमाणु है या अणु है या आयन है, यहाँ से गायब हो जाएगा, तो भैया देखो ये रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाएगा, एक खाली जगह बच जाएगी, जिससे कि ये दोष उत्पन्न हो जाएगा। समझ आई बात की नहीं, इस तरह से दोष उत्पन्न होते हैं। अब जो हमारा दोष है वो दो प्रकार के दोष हैं, नंबर एक है बिंदु दोष, नंबर दो है इलेक्ट्रॉनिक दोष। इलेक्ट्रॉनिक दोष में हमने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जिससे रिक्त स्थान आ जाता है और इस प्रकार अनियमितता बिगड़ जाती है, नियमितता बिगड़ जाती है, जिससे ये दोष उत्पन्न होता है। बिंदु दोष को पुनः तीन भागों में बांटा गया है, रस समीकरण विधि, स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी दोष, ठीक है ना। बिंदु दोष को तीन भागों में बांटा गया है, रस समीकरण, अरस समीकरण और अशुद्धि दोष। रस समीकरण विधि भी चार भाग होते हैं, चार प्रकार का होता है, नंबर एक है रिक्तिका दोष, नंबर दो है अंतराकाशी दोष, नंबर तीन शॉटकी दोष, नंबर चार फ्रैंकेल दोष। रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष अनायनिक यौगिकों में पाया जाता है, किसमें होता है भैया, अनायनिक, अर्थात वे यौगिक जिनको जो आयन में नहीं टूटते, वे यौगिक जो आयन में नहीं टूटते उनमें रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष पाया जाता है। नंबर तीन पर शॉटकी दोष और फ्रैंकेल दोष जो है वो आयनिक यौगिकों में होता है, अर्थात धनायन और ऋणायन में कमी या वृद्धि होने से ये दोष उत्पन्न होते हैं। आई बात सुन में, यही चार दोष हैं आपके जो ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं और यही पूछे जाते हैं, आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं चारों से बनते हैं और ये तो बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अरस समीकरण विधि ये भी दो प्रकार का होता है, एक धातु अधिक और एक धातु न्यूनता। धातु अधिक का मतलब है मेटल आयन की अधिकता हो जाएगी और न्यूनता का मतलब है मेटल आयन की कमी हो जाएगी, ठीक है ना। अशुद्ध दोष अधिक जो कोई पदार्थ में अशुद्धता मिल जाती तो अशुद्ध दोष उत्पन्न होता। आगे देखते हैं इनकी तैयार करने का तरीका, चलिए आगे देखते हैं। ये चार दोष मैंने अभी आपको पढ़ाया था, ये चारों दोषों की जरा डिटेल दिखाते हैं, बहुत जल्दी, छोटी सी परिभाषा है और बहुत जल्दी आसानी से आपको ये चारों की परिभाषा याद हो जाएंगी, इसलिए मैंने ये टेबल बनाई है, आप मेरे साथ ये टेबल बना ले या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए दोष है, परिभाषा है, ठोस का प्रकार है, घनत्व पर प्रभाव है, प्रभाव के बाद संरचना है।
तो देखिए ठोस में आता है रिक्तिका, पहला दोष है हमारा रिक्तिका दोष। कब होता है रिक्तिका दोष? क्रिस्टल जालक से अवयवी कण का स्थान रिक्त होना। क्रिस्टल जालक से यानी जब किसी क्रिस्टल जालक से कोई अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाएगा तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, ये रिक्तिका दोष होगा। किसमें पाया जाता? अनायनिक ठोसों में पाया जाता, अर्थात जो आयन नहीं बनते। अब जब कोई जालक को छोड़कर चला जाएगा तो भैया जब चला जाएगा तो स्थान छोड़कर वो बाहर चला गया तो उसके घनत्व में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। मैं डायग्राम देकर समझा रहा हूँ, कुछ इस तरह से बनेगा, ये जैसे हो गया, ठीक है ना, ये इस तरह से परमाणु व्यवस्थित है। अब इनमें से कोई एक छोड़कर चला जाता है तो देखिए इसका घनत्व भी बढ़ जाएगा और ये हमारा दोष रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाएगा। नंबर दो आता है अंतराकाशी दोष। ठीक, क्रिस्टल जालक में अवयवी कण अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं, ठीक है ना, अवयवी कण अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं। कौन सा दोष? ठोस है, अनायनिक ठोसों में यह भी होता है। घनत्व पर प्रभाव अपरिवर्तित रहता है। घनत्व कैसे? मैं आपको पहले डायग्राम बनाता हूं जिससे आपकी समझ में बड़ी आसानी से आ जाए। ये आपके अणु और ये आपके कण जो है इस तरह से व्यवस्थित है, है ना, ये कण व्यवस्थित है। अब इन कणों में से क्या होता है कि कोई एक कण अपना स्थान छोड़ देता है और वो अंतराकाशी स्थान में स्थित हो जाता है, ठीक है ना, कहीं पर भी फिट हो जाता है अंतराकाशी स्थान में। तो देखिए इसमें क्या था, कोई एक कण छोड़कर चला गया था और यहाँ पर क्या है कि वो कण बाहर नहीं गया बल्कि अंतराकाशी स्थान में आ जाता है, तो इसे हम कहते हैं अंतराकाशी दोष, या इस प्रकार से उत्पन्न दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं। शॉर्टी दोष में क्या है कि समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। किसमें पाया जाता है? आयनिक ठोस में। घनत्व तो घटेगा कैसे वो देखिए, आपको संरचना चित्र के द्वारा समझेंगे। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। अब ये आपका बना हुआ है शॉर्टकी दोष का संरचना है, क्रिस्टल जालक की व्यवस्था। समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल जालक को छोड़ते हैं, मान लो एक ऋणायन गया तो एक धनायन भी चला जाएगा। तो इस प्रकार से जब प्लस और माइनस समान संख्या में जाते हैं तो हमारा दोष उत्पन्न होता है शॉर्टकी दोष। और चौथा होता है फ्रेंकल दोष। धनायन अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं और घनत्व हमारा जो है वो अपरिवर्तित रहता है। वो कैसे होगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना, इस तरह से ये बना हुआ है हमारा। कोई एक धनायन यहाँ से छोड़ करके अपने स्थान को छोड़ करके कहीं और चला जाए, मान लो वो यहाँ पर आकर फिट हो गया, है ना, बीच नीचे आकर फिट हो गया, तो इस प्रकार से हमारा अंतराय फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है? धनायन अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। सुन मैम, इस तरह से आज का वीडियो आपका समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपके सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपकी क्लास 12th की अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके, ठीक है ना। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।